नमस्कार जोहार सभी साथियों को, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। बात करेंगे JSSC के बारे में, ठीक है। आज की वीडियो का मेन जो फोकस पॉइंट है वो सिर्फ JSSC रहने वाला है और JSSC के चेयरमैन वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चर्चा उन पर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है आप लोगों से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, साथ ही साथ मेरी बात अगर आपको लॉजिकल लगे, ठीक लगे, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। आज एक वीडियो में देख रहा था द फॉलो अप पे, और आप लोगों ने भी देखा होगा, खास करके जितने भी TGT के कैंडिडेट हैं आप सब ने तो ज़रूर देखा होगा। और मैं उस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ। अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट, जैसा वो क्लेम कर रहे थे, उनका ये कहना है कि आयोग ने एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, और अक्सर ऐसा होता है कि लोग एब्सेंट कर जाते हैं, ठीक है, तो एक बार उनको मौका दिया भी जाता है। अगर किसी कारणवश कोई एब्सेंट कर गया है तो ये जेन्युइन चीज़ भी है, देना भी चाहिए मौका, एक बार दिया गया मौका। लेकिन कैंडिडेट का ये कहना है कि दोबारा भी मौका दिया गया, और अब दोबारा जो एब्सेंट हो गए, दोबारा भी जो हाजिर नहीं हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वैसे कैंडिडेट्स ने कॉन्टैक्ट किया आयोग को, और आयोग उनके रिक्वेस्ट को मान करके दोबारा उनको DV के लिए बुला रही है। तो ये बात कहीं ना कहीं चिंताजनक हो जाती है। इस तरीके से अगर आयोग फंक्शन करेगी, स्टूडेंट के बोलने पर अगर वो काम करने लगे, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो भी खास करके झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर लोग ताक में बैठे रहते हैं कि कहीं से मौका मिले बैकडोर एंट्री की। अभी आगे CGL का एग्जामिनेशन होने वाला है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, JEE के एग्जामिनेशन हैं, टोटल 12-13 एग्जामिनेशंस होने हैं, बहुत सारे छात्र इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक ऑप्शन तो उन स्टूडेंट्स के पास है जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक है, और उनको सरकारी नौकरी भी चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप आयोग जाइए, चेयरमैन से मिलिए, उनको रिक्वेस्ट करिए, रिक्वेस्ट से नहीं मानता तो मिठाई वगैरह खिलाइए, ठीक है, और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मांग लीजिए कि क्या क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाला है। वो अगर ऐसा कर देंगे तो बहुत सारे छात्रों का भला हो जाएगा, क्योंकि आजकल वो भलाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, भलाई करने में उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन वगैरह अगर दे दें तो इससे भी बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है वो दे भी देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो लिबरल हो गए हैं और पब्लिक डीलिंग में जितना ज़्यादा विश्वास वो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। कोई भी आयोग पब्लिक को डील करने के लिए नहीं बनाया जाता है, आपको अपना काम करने के लिए वहाँ बैठाया गया है, और आपको अपना काम कानून सम्मत, संविधान सम्मत तरीके से करना है। अब कोई स्टूडेंट आपको क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। PS के मामले में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका ये कंसर्न है, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि बिल्कुल फेयर है, रिजल्ट वगैरह जो भी आया बहुत सही तरीके से आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर छात्र इस तरीके से सोचे ये भी ज़रूरी नहीं है, हर किसी का अपना अपना सोच होता है, अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। बहुत सारे छात्र इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं रिजल्ट में PS के मामले में भी हो सकता है कि कुछ गड़बड़ियाँ की गई होगी, क्योंकि आयोग तो डायरेक्ट स्टूडेंट से डील कर रहे थे, डायरेक्ट स्टूडेंट से बातें कर रहे थे, रिजल्ट कब आएगा, नहीं आएगा, हो सकता है कि मेरिट में किसको लेना है ये भी छात्रों से पूछा गया होगा, नहीं किसको हटाना है ये छात्रों ने बताया होगा, क्योंकि लगातार मीटिंग्स वगैरह चल रही थी और हर दिन ब्रीफ वो कर रहे थे स्टूडेंट्स को, सारे कॉन्फिडेंशियल बातों को वो बाहर कर रहे थे। मैं इन सब बातों को सच नहीं मानता हूँ, कहीं से भी नहीं मानता हूँ, लेकिन ऐसे चर्चे भी हो रहे हैं छात्रों के बीच में। अब नहीं होने के बाद बहुत तरह की चीज़ें मन में आती है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अभी जो टीचर वाला केस है इसमें ये तो वाकई काफ़ी चिंताजनक बात है, और छात्रों को यकीन है इस पर प्रोटेस्ट करना ही चाहिए। आयोग के बाहर बैठे हैं बहुत सारे TGT वाले, 4-5 साल से अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, और लास्ट में ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है। लगातार DV कराया जा रहा है। एक तो आपके पास जितनी सीटें हैं उससे अधिक कैंडिडेट आपके पास अवेलेबल है पहले से ही, उसके बावजूद फिर से लोगों को बुलाना और इस तरह के काम को करना, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। लेकिन शिक्षक जितने भी कैंडिडेट हैं TGT वाले, आप सबसे आप लोग थोड़ा बहुत आश्वस्त रहिए, क्योंकि अभी जो टाइमलाइन दिया गया था कोर्ट की तरफ से वो अब फेल नहीं हुआ है। 3 महीना के अंदर किसी भी सूरत में सरकार को आपकी नियुक्ति कंप्लीट करानी ही है, वो इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत उस चीज़ को लेके आप लोग आश्वस्त रहिएगा। लेकिन आप लोगों ने जो आयोग जाकर के ये धरना वाला प्रोग्राम किया, बहुत ज़रूरी था,
ये मैसेज देना बहुत इम्पोर्टेंट था आयोग को कि कुछ ज़्यादा ही आप लोग लिबरल हो रहे हैं, और आयोग को भी अपने साइड से सोचना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।